सपनों का शहर या माया नगरी कहलाई जाने वाली मुंबई आज एक उभरता आधुनिक शहर है और इसे भारत की वित्तीय राजधानी माना जाता है। मुंबई की लोकप्रियता का एक खास हिस्सा है समुद्र से इसका रिश्ता। शहर के मरीन ड्राइव पर या वर्ली सीलिंग पर लोग घंटों बिताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मुंबई 7 छोटे द्वीपों से बना है। मुंबई या बॉम्बे मूल रूप से 7 द्वीपों का एक समूह था जिसकी मुख्य भूमि सालसेट के उत्तर में थी, जिसे अब माहिम क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये 7 द्वीप थे कोलाबा, ओल्ड वुमन आइलैंड या लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। 14वीं शताब्दी के मध्य से सन 1534 तक द्वीपों पर गुजरात सल्तनत का शासन हुआ करता था। सन 1534 में द्वीपों को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को सौंप दिया था। बॉम्बे के पुर्तगाली इतिहास से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। इन 7 द्वीपों को सन 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया गया था, जब उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा से हुई थी, और तब से ये द्वीप अंग्रेजों के शासन में आ गए। सन 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे के 7 द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 10 पाउंड में लीज पर दे दिया था, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से अपने साम्राज्य, शासन और आय के बारे में सोचना शुरू किया तो ये पाया कि सिर्फ 20 वर्ग मील हिस्सा ही जमीन पर था। इसको देखते हुए और बॉम्बे को एक विकसित रूप देने के लिए 17वीं शताब्दी के आखिर में ही भूमि सुधार या रिक्लेमेशन के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी में चर्चा हुई। बॉम्बे के द्वीपों से सबसे पहला रिक्लेमेशन 1700 के आसपास उमर खड़ी में किया गया था। ये वो क्रीक या खाड़ी थी जो बॉम्बे को मजगांव से अलग करती थी। इसके बाद सबसे बड़ा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट था सन 1784 का हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य था 7 द्वीपों को एक ही भूभाग से जोड़ना। ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से इसी ने आज के मुंबई शहर को रूप दिया था। ये प्रोजेक्ट बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबी की देखरेख में हुआ था। हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट में कम से कम 700 एकड़ भूमि पर काम किया गया था। इसके बाद सन 1838 तक कोलाबा कॉजवे को बनाया गया, जो कोलाबा के दक्षिणी द्वीपों और ओल्ड वुमेन के आइल या लिटिल कोलाबा को मुख्य भूमि बॉम्बे से जोड़ने के लिए बनाया गया था। सन 1860 और सन 1865 के बीच मालाबार हिल को कोलाबा से जोड़ने के लिए पहला बैक बे रिक्लेमेशन हुआ। उसके बाद डॉकयार्ड या जहाज बनाने के स्थानों पर काम हुआ। सन 1914 और सन 1918 के बीच 22 एकड़ जमीन पर काम हुआ और आज का बेलार्ड एस्टेट बना। इसी बीच मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ और इसी नए बने भूमि भाग पर आज मुंबई के प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल आर्ट डेको इमारतें खड़ी हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक काफी नया भूभाग बना लिया गया था, जिस पर आज मुंबई शहर बसा हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कई क्षेत्रों पर काम हुआ और बांद्रा, नरीमन पॉइंट, कफपरेत जैसे लोकप्रिय इलाकों पर रिक्लेमेशन किया गया। मुंबई शहर के इतिहास के इस पहलू पर नजर डाले तो सच में समझ आता है कि कैसे ये शहर विकास और तरक्की की एक मिसाल है।